शुरू किया जाए अब। हाँ वो 7 बजिया पढ़ लिया है ना, वो पढ़ कराया इंटर से, सोचा है हम पढ़ लिए हैं। चलो बनाना भी पड़ेगा हमको, ये सवाल सोल्व करना पड़ेगा, बता दीजिए। नहीं बना, वाह इस डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रहा है। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विगेट, ठीक है ना। एक्स देखो, पहले देख लो एक्स क्यू का 3x² फर्स्ट फंक्शन, वैसे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या किए, छोड़ दिए, वैसे वाई को किए तो डी वाई बाय डी एक्स, वाई को छोड़े थे ना, अति वाई को किए, वाई को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसका करो, एक्स को छोड़ो, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्स का 1, y क्यू का 3y², फिर y का dy बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0, dy बाय dx कॉमन निकाल लो, dy बाय डी एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 3y², अब बिना dy बाय dx ला को उधर भेजो, माइनस 3x² प्लस 2xy, देखो अब प्लस y², इसीलिए डी वाई बाय, ये सवाल शायद हम दोबारा बना रहे हैं, ये सवाल बताया हुआ है हमको, कलम कह रहा है तुम कह रहे हो नहीं, नहीं बताए हैं, एक बार देखना कॉपी, हमको सस्पिशन में जा रहा है, हो सकता है अगला सेशन बताए होंगे, इसीलिए ध्यान आ रहा है हमको, ये हो सकता है 3x² प्लस 2x हुआ, क्योंकि एक बार जो बन गया तो ध्यान में रहता है, ये सवाल बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y². चलो नोट करो इसको, समझ में आया। पूछेंगे थोड़ा, उस सब को भी जनता लोग कहने दो, उस सब को याद है ना, वो पढ़ने भी नहीं आता, वो देखने के लाता है, ठीक है, डेमो है उसका, चेहरा ही कर देता है ना, कौन पढ़ेगा या कौन नहीं पढ़ेगा, वो लिखा रहता है उस पर, जो हमको दिखा देता है तुम भी देख सकते हो। चलो अब हम लोग इसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन का करेंगे, नहीं अभी तो अथी वाला वेरिएबल वाला बचा ही है, उसके बाद पैरामेट्रिक है, इसी चैप्टर में आगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अब हम लोग पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक का कुछ बताए भी थे, आज पूरा लॉगरिथमिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, तो वह चीज है, अब बहुत काम का चीज है लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत काम का चीज है, आगे भी बहुत काम देगा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, मिटा दें इसको, हम इसको मिटा दें, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उसे कहेंगे जिसमें लॉग लॉग हो, लॉगरिथमिक हम लोग लॉग वहां पर अप्लाई करेंगे बनाने में जहां वेरिएबल पावर वेरिएबल फंक्शन होगा उस फॉर्म में, उसको मतलब रिड्यूस करने के लॉग लगाएंगे और फिर उसका करेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल हम समझाते हैं, जैसे वाई बराबर ए के पावर एक्स है, वाई बराबर पावर क्या है, एक्स है, वो तो रट लिया है ना, जो भी अपना है, तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, चाहे वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो,
उस कंडीशन हम लोग लॉग का यूज करते हैं, समझ में आया। या कोई मान लो फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है या इरेशनल फंक्शन है, वो रेशनल इरेशनल अल्जेब्रिक में है या कोई और में है, बहुत कंपोजिट है, तो उस कंडीशन में लॉगरिथम का यूज करके उसको हम लोग टर्म को तोड़ देते हैं। कैसे होता है वो हम चर्चा करेंगे। जैसे वाई और एक पावर एक्स है, बहुत साइड टेकिंग लॉग, बहुत साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग वाई बराबर लॉग ए के पावर एक्स, ठीक है ना। लॉग एम पावर एन बराबर एक्स लॉग ए, और लॉग ए यहां पर क्या है, आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विगेट एक्स के रिस्पेक्ट क्या करेंगे वो लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग वाई का पहले होगा वाई के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा जो दोस्त कहाँ गया उसको भी नहीं, कहा है कागज उसका मन निकल गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा उसका, एडमिशन मुझे पड़ा है। अच्छा अब देखो, अब उसको भी दिक्कत था तो नहीं आया, लॉगरिथम शुरू हुआ फिर छूट जाएगा, फिर दिमाग चला जाएगा, तो कोई गुंजाइश नहीं है, एक भी दिन अब्सेंट नहीं, खास करके मैथ क्लास, अगर पेपर मान लो थोड़ा हो जाते हो तो किसी में तो अब्सेंट होना ही नहीं है, यदि अब्सेंट हो रहे हो तो फिर दिक्कत है। लॉग वाई का वन बाय वाई, फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स, जहां नहीं आएगा समझ का ना, समझ में कैसे किए, लॉग वाई का वन वाई कहा होगा, लॉग एक्स का वन वाई एक्स होता है, सिर्फ लॉग एक्स का वन वाई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, जबकि लॉग वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में ये हुआ, कैसे ऐसे होता है बताओ, ऐसे कैसे हुआ है, बता सकते हो, बोला समझ गए, जानते हैं नहीं समझा है ना, तुम बोलो नहीं बोलो हमको पता है तुमको कहां समझ नहीं आई है, इसको कहना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले एक्स रिस्पेक्ट नहीं होगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तब फिर y को होगा x के रिस्पेक्ट में, तब जो यहाँ वही यहाँ हो, जब फॉर्मूला लिख तब हम बताए थे जो फंक्शन यहाँ वही फंक्शन यहाँ हो ना, तब log कुछ भी यहाँ रहेगा ना, तो उसका वही बटाम फिर वन बाय वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम जो सूत्र लिखाए थे log x बाय डी एक्स का, जो यहाँ है वही यहाँ है, तब इसका वन बाय एक्स, ये बात सख्त हिदायत यहाँ पर है, यदि यहाँ पर दूसरा फंक्शन है तब फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब इसीलिए यहाँ पर लॉग वाई का पहले वन बाय वाई किए, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, पहले वाई के रिस्पेक्ट में किए, बार बार लिखते नहीं है, तुम अंडर टू डेल्टा समझ लो, फिर वाई का डी वाई डी एक्स दिए, फिर बराबर, अब देखो इवेंट भी नहीं होगा, ये क्या कि ये तो लॉग ए तो कॉन्स्टेंट है ना, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर क्या है एक्स वाला ही है, तो लॉग ए वैसे रहेगा, एक्स का क्या होगा वन, तो वन इंटू लॉग ए होगा ना, इसीलिए यहां से निकालो डी वाई बाय डी एक्स बराबर वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू लॉग ए, तुम चाहो तो वाई का मान दे सकते हो डी वाई बाय डी एक्स वाई का मान के पावर एक्स, देखो जब रटाए थे यही लिखे थे, यही बोले ड्राइव करने के लिए, किसी का भी निकाल सकते हो फॉर्मूला, सब काम ड्राइव करेंगे ये, वाई के जगह आप यहाँ क्या दे दो ए के पावर एक्स दे दो, तो ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पावर एक्स इंटू लॉग ए, चलो हो गया प्रूफ। नोट करो यार इसको, चलो ठीक है दिखा देगा। हाँ ये कहां से आया, ये लॉग है, यहाँ x इंटू लॉग है, x का लॉग का कॉन्टेंट इसका होगा नहीं ना, x का सिर्फ वन होगा, तो वन इंटू लॉग है, लॉग वैसे रह गया, समझ में आ गया सबको, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इतना इंक डाले फिर भी ठीक से नहीं चलता है, पता क्या फॉल्ट है, फिर लगता है बॉडी गड़बड़ है, ये फिसलन बहुत हो गया, उसी बॉडी में फॉल्ट है, इसको एक दिन साफ करेगा ना, छास्ता होगा, चलो हो गया।
बीन हुआ खत्म हो गया है। अच्छा उसके बाद बहुत पढ़ा बीन तुम लोग हो गया। अच्छा पूछेंगे अब मैकेनिक्स कब स्टार्ट होगा सर क्या बोले हैं प्राइम मैकेनिक्स क्या अभी नहीं बोले हैं। यहाँ यदि नहीं आते अभी तक तो हम मैकेनिक्स को बोल डॉक्टर उड़ा दिए रहते डरा यदि स्टार्ट करते तो यहाँ आ रहे इसलिए डरा तो स्टार्ट नहीं कर रहे फर्स्ट ईयर का टाइम भी नहीं मिलता है। देखो शाम में वहाँ 3 से 6 सिविल वाला है तो फुर्सत कहाँ है यहाँ तुम लोग के पास है तो फिर टाइम कहाँ। हाँ ठीक है वहाँ सिविल 3 से 6 आता है तो फुर्सत कहाँ है यहाँ 8 बजे तक एंगेज हो ही जाते हैं। एक वो धरे हैं खाली वो कंप्यूटर साइंस वाला मैथ पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन उसी में बैठा रहे हैं सिविल वाला के साथ दिन में कैसे पढ़ाएंगे फिर खाना पीना बहुत सोना है कि फिर भर दिन पढ़ाना ही है। बहुत हो गया 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम बहुत हो गया 6 घंटा सब चीज़ खुद से करना पड़ता है यहाँ थोड़े सब चीज़ काम करने वाला स्टाफ एगो है तो फिर टाइम नहीं बच पाता है। देखो ये क्वेश्चन है साइन एक्स अच्छा इंटर का पॉपुलर क्वेश्चन इसे माना जाता है साइन एक्स माना जाता है ना। हाँ साइन जो इंटर में इंपॉर्टेंट है ना वही सेमेस्टर में पूछेगा लोग निकलना समझ लेता है कि सब ये डिप्लोमा किताब है ये सोचिए गलत है ऐसा कोई बात नहीं है। तुम किसी बुक से बनाओ हमेशा कहते हैं ये मत सोचो कि ये बुक सेमेस्टर में जाती इसी से पूछेगा ऐसा कोई नहीं है। टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कर लो चाहे जिस 10वां में पढ़ते हो 8वां में पढ़ते ही पढ़ते हो कोई क्लास हो उससे कोई मतलब नहीं है सिर्फ जो सिलेबस में टॉपिक कंसेप्ट कर लो चाहे किसी बुक से कॉन्टेंट ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है 10वां फिर कहते जाओ कौन बुक लेके गए लाओ उससे कोई दिक्कत नहीं अपना 5 गो उठा के लेके जाओ ये वो कोई के साथ कंसल्ट कर देंगे हो जाएगा। देखो अब ये अनंत तक गया हुआ लिखा नहीं है इसमें सोल इन्फिनिटी वाले उसने लिखा है लेकिन किसी से नाम तुमको मिल जाएगा ऐसा लिखा हुआ। ठीक है ये इन्फिनिटी तक गया यदि एक टर्म को झांक भी देते हैं एक को तो बाद तक किसको लगेगा कि वही वाला टर्म सब जैसे कि वाई रखना है ना एक को यदि झांक भी दो एक को मान लो ऊपर से तो लग रहा है कि वाई है यानी इतना का मान क्या हो गया इतना का मान क्या हो गया वाई हो गया। बोलो बाउथ साइड स्क्वायर ऐसे ही क्या जाता तुम भूल गए हो स्क्वायर करो साइन एक्स वो भी कर सकते हो साइन एक्स प्लस क्या होगा होगा ना इधर ला इसको वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स डिफरेंशिएट करो 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस बराबर डिवाइडेड कॉमन ले लो इसमें डिवाइडेड डीएक्स क्या कर लिए कॉमन ले लिए 2y-1 और उसके चलते इंटर का बैच बंद कर दिए इसीलिए डीवाई बाय डीएक्स बराबर इंटर का आया था बोले अब नहीं हो पाएगा जाओ। चलो टाइम नहीं मिलता किधर किधर क्या करें नहीं करें क्योंकि अब उधर उसके बुलाते थे 5 से 6 तो सिविल को पढ़ा पाते थे 2 घंटा। चलो हटाओ इंटर को कौन पढ़ाएगा वैसे ही बंद कर दिए थे तो मैं स्टूडेंट था रिक्वेस्ट किया था तो सोचे चलो कुछ बता देते हैं। हाँ है? कौन ना ऐसा नहीं देगा प्लस ही माइनस प्लस चाहे माइनस रहेगा फिर कोई दिक्कत नहीं है तुम क्वेश्चन बता देते हैं क्वेश्चन उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है अनंत तक गया हुआ है थोड़ा सा निकाल लेगा तो उसे थोड़े कुछ फर्क पड़ने वाला है। हो गया चलो लॉगरिथम हम
लॉगरिथम पर चल रहे थे, ये तुमको पिछला चैप्टर का ही सवाल था, ध्यान गया, बताना था हमको, अभी देखे तो बता दिए। हाँ, अगला सवाल है जो कि याद भी रखना है तुमको, एक तरह से फॉर्मूला भी है रट भी लेना है, क्योंकि बड़े बड़े महारथी में छोटा छोटा काम लेगा तुमको। बनावे अगला सवाल हम, मिटा दें इसको। कहाँ पर देखो, बुक में देखो क्या है, बुक में देखो तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो वैसे पढ़े हो तो ऐसे कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बुक में भी देख सकते हो, अब उससे कोई दिक्कत ना है, पहले का सोच सकते, फिर वाई बचेगा ना, यहाँ पर आज कर देखो ना बाबू, यही यही टर्म आएगा बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना है करो। एक सवाल को देखा ना कल क्या तरीका से बनाए थे, कई एक मच्छर जितना आदमी रहेगा उतना अलग होगा, अब जो याद करके पढ़ा रहा है उसका अलग दिक्कत है, कहेगा नहीं यही तरीका है, ऐसा कबार चलेगा तो थोड़े होता है। चलो y बराबर x के पावर x, वेरिएबल पावर क्या है, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट पावर, वेरिएबल था तो भी लॉग लगाएंगे, वेरिएबल पर वेरिएबल होगा तो भी लॉग लगाएंगे, लॉग लगाओ ठीक है ना, लॉग y बराबर लॉग x के पावर x, बोलो क्या होगा, लॉग y बराबर इसका आंसर x के पावर x इंटू x पर लॉग, चलो वन प्लस लॉग एक्स, रखना पड़ेगा, याद भी रखते हैं ताकि बराबर का सवाल आ जाता है जिसमें थोड़ा सा आप यहीं से इसी में एक जोड़ देंगे x पावर sin इनवर्स x, उस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम जब अभी तक पढ़े थे ना, तो रखो मेनली उससे ऑब्जेक्टिव तुमको कम देगा, सब्जेक्टिव यहाँ से अटैक हो जाएगा क्वेश्चन बनना इस टॉपिक से, लॉगरिथम फंक्शन से सब्जेक्टिव, छः नंबर वाला क्वेश्चन, चार नंबर वाला, तो यहीं से सब्जेक्टिव पूछे, वो तो ऑब्जेक्टिव का था पढ़े थे हम लोग अभी। चलो हाँ, डिफ्रेंशिएट करो यहाँ से, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बात एग्जाम में लिख देना, दो मिनट लगे करेगा ना, तो एग्जाम में लिख देगा थोड़ा सा इंटरनल खुश हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग वाई का, चलो बताओ पीछे से, तुम बताओ पटनिया वाला लड़का बताओ क्या होगा, हाँ बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और कुछ वन बाय वाई, और कुछ जिसे पोटेंशियल वही बोलेगा, और कुछ तुम बताओ सही है, डी वाई बटे डी एक्स, चलो समझ में आ गया होगा कैसे होगा, नहीं आ गया होगा, हाँ गलती कराएंगे तब सही करवाएंगे। अब चलो तुम बताओ इसका क्या करेंगे इसको, हाँ बताओ, वन इंटू, हाँ वन इंटू लॉग एक्स, हाँ उसके बाद माइनस है, उसके बाद क्या साइन दें, माइनस की भागा की गुना क्या दें बताओ, ये कौन फॉर्मूला देगा तुम बोलेगा, ये कौन, ये कौन फॉर्मूला इंटीजर है ना, देखो x को तुम डिफरेंशिएट कर दिए हो, x का वन किए हो, लॉग x को छोड़ दिए हो, अब प्लस देना पड़ेगा ना, यहाँ लॉग x को यहाँ पर कर दिए हो, x यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा, लॉग x को करना पड़ेगा, वन बाय x कर दिए, बस सिंपल सी बात है, तो फंसते हो कहा है इसमें, देखो वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर एक्स एक्स कट गया तो वन प्लस क्या हुआ, लॉग x ठीक है ना, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर वाई से मल्टीप्लाई होगा, y इंटू वन प्लस क्या होगा, बोले थे x पावर x इंटू वन प्लस लॉग x, सूत्र देखो वही आ गया ना, y का मान यहाँ से x पावर क्या है, x है, इसको याद भी कर लेना थोड़ा सा ठीक है ना, d x के पावर x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के पावर x इंटू वन प्लस लॉग x, कुछ एग्जाम में समय बचाता है, नहीं तो फिर एक स्टेप यहां से करना पड़ता है, लिखो इसको, समय बचाने के लिए हम कर रहे हैं, किससे ना, ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो ना, मल्टीप्लाई काहे करोगे, ऐसे ही रखो ना ठीक रहेगा, मल्टीप्लाई करके क्या फायदा, ना कोई गलत नहीं है, ये फॉर्मूला और फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, तुमको आगे जो बताएंगे ना तो ठीक रहेगा, एग्जाम क्वेश्चन को बनाएगा 5 मिनट तुम 4 मिनट करके निकल जाओगे उसके, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं सीधा। चलो
सर अप्लाइड साइंस में मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है ना, और मॉडर्न फिजिक्स अप्लाइड साइंस में सिलेबस देखे हो तुम लोग? ध्यान है ना आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स साइट है, लेजर एक्सरे सर के बारे में पढ़ना है, जो इंटर करके उसको तो फायदे फायदे है, आधा आधी पढ़ ले मिलेगा सब। लेजर के बारे में पढ़ना है, एक्सरे के बारे में पढ़ना है, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब है के बारे में पढ़ने के लिए। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, यूट्यूब से पढ़ना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री तो एम लर्निंग जाकर पढ़ो, एम लर्निंग को जानते हो चैनल का नाम है, उससे बढ़िया कौन पढ़ाएगा, पूरा यूट्यूब पर हम गारंटी देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आईआईटी लेवल का लेकिन है, तो हम उसी से पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े थे तो उनको बता दिए, ठीक है। यूट्यूब से यदि पढ़ना होगा तब एम लर्निंग एकदम धुरंधर है, धुआंधार है प्रोफेसर, एक बार जाकर देखना तब कहना सर बोले थे। एम लर्निंग जो तक पढ़ना होगा सर्च मारना, सब लेकर तो नहीं मिलेगा, कुछ पेमेंट वर्जन भी है, तो जितना भी फ्री है एक बार देखना देख करके। हम तो पूरा पूरा उसी से फ्री केमिस्ट्री किए थे, हमको जो पढ़ाता था मने लगता था क्योंकि आधा सीधा ज्ञान देता था, आधा दिया सेमेस्टर में आधा निकल गया, तो उससे संतुष्ट हमने तुम लोग को भी लगेगा तो हेल्प ले सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेन लेवल का वो बताएगा तुमको वो सब, मतलब एक तरह से याद नहीं करना पड़ता है कुछ, ये समझ लो इतना डिटेल में पढ़ाएगा ना, याद नहीं रहेगा टॉपिक, ये थोड़ा सा डिटेल में रहेगा। चलो y बराबर ठीक है ना x के पावर साइन इनवर्स x, y बराबर x पावर क्या साइन इनवर्स x है, डिफरेंशिएट करो इसको। चलो हाँ पहले लॉग लगाओ, तुम बोलो कब समझेंगे लॉग लगाना है, ऐसा क्या देखिए हम इसमें हम लॉग लगा दी, बताओ हमको पहले। वेरिएबल पावर वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट पावर वेरिएबल हो तब हम लोग क्या करते हैं लॉग का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लॉग वाई, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। चलो लॉग वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएट करो लॉग वाई का वन बाय वाई, वाई का यू इंटू वी पर साइन इनवर्स एक्स को क्या करेंगे छोड़ देंगे मान लो। चलो यहां कर देते हैं लॉग वाई का, यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पी गेट लॉग वाई का वन बाय वाई, फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स बराबर मान लो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या किए छोड़ दिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स को छोड़े तो लॉग एक्स का करना पड़ेगा, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, ठीक है लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स को यहाँ पर किया है ना उसको एज इट इज लिख देना है लॉग एक्स को, देखो कॉन्स्टेंट बंद कर देना नहीं तो बड़ा खतरनाक होता है लॉग, बहुत प्रॉपर्टी होता है, कौन प्रॉपर्टी तब सेट कर देगा तुरंत। साइन इनवर्स एक्स का वन माइनस एक्स स्क्वायर यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहां से चलो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा वन बाय एक्स इंटू हाँ वाई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, वन बाय साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसीलिए डी वाई बाय वाई का मान दे दो, आंसर जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए एक्स के फॉर्म में, यदि इसे पहले भी कहीं मान लगा फॉर्म निकाल के हम छोड़ दिए हैं तो वैसे भी छोड़ सकते हो लेकिन एक्स के फॉर्म में हम रखते हैं रखो तो अच्छा रहा है, तो भी गलत नहीं है तुम्हारा सही है, गलती कौन कहेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन हाँ वाई का मान दे देंगे हम लोग यहाँ से एक्स के पावर साइन इनवर्स एक्स, यही आंसर हो गया वन बाय एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स।
यही आंसर हो गया, नोट करो इसको। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, ये कैसे समझे? अब ये लॉग फंक्शन अलग कर दिए ना, यहाँ से क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ऐसा पड़ा जिसका वैल्यू का वैल्यू डिफरेंशिएशन हो? आदित्य को फॉर्मूले पड़े है ना, इसको पहले रिड्यूस करके एक सिंपल फंक्शन हम ला लिए हैं, जहाँ की इसका फॉर्मूला हम जानते हैं यूनिट वी पर ये हो जाएगा, समझा? जब ये यूनिट वी पर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेशन निकालना। क्वेश्चन में तो वही कहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप डिवाइडेड पता कीजिए इस फंक्शन का, तो डायरेक्ट हम यहाँ पता कर सकते हैं कि यहाँ तक फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं, तो पहले लॉ ला करके एक सिंपल फंक्शन में लाएंगे, क्योंकि अब यूनिट वी पर हो गया ये, अभी ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका अभी तक फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट, मतलब इसको जो बनाया जाता है इसी प्रोसेस से किया जाता है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है? फ्री आउट, उसको खाली डीवाई डीएफ देना है, बात खत्म है, जो मेथड है वो मेथड लगा दो, नोट करो। हाँ ई नहीं, और जो बताएंगे ना दोनों को मिला करके वो पूछता है, ठीक है? ई नहीं, ये तो उसका पार्ट बता रहे थे ना, वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक हम लोग कुछ कुछ अभी तक कर रहे थे, ठीक है ना, वहां तक पहुंचने के लिए, अब वहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है ना? इसमें तो क्वेश्चन ही वैसा नहीं है, किसी से ना आए किसी के पास लेकर आए हो, नहीं आए हो, चलो हम बना के क्वेश्चन दे देते हैं दशहरा के बाद, हम तो वैसे किसी से ना एक लेकर चलते हैं हमेशा। हो गया ये हो गया, चलो हम क्वेश्चन बना के तुमको देते हैं, वैसा क्वेश्चन को दिया नहीं जैसा एग्जाम में आएगा तुमको, सीधा एगो का फंक्शन, एगो फंक्शन लग के क्वेश्चन आता है, ये एक एक फंक्शन जिसमें डबल फंक्शन ऐड करके का एग्जाम आया क्वेश्चन तुमको, इंटरमेस आता है ना, यहाँ वैसे नहीं आएगा, जाके देखो क्वेश्चन बैंक में, वैसा एक कौन क्वेश्चन तुम्हारे बुक में, हम बना के क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ लिख लिया इसको, इधर बात हो गया होगा, चलो क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम, वाई बराबर एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 6 नंबर में आएगा, ये हो गया उधर वाला 6 नंबर का सवाल है यहाँ पर, ठीक है? तो हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे, पहले क्या करो, y बराबर इसको मान लो u और इसको मान लो v, समीकरण नंबर 1, where u बराबर x के पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, वी गेट, चलो u का x के रिस्पेक्ट में du का dx, हाँ हाँ ठीक 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 बोला, पहले log लो, ध्यान नहीं दिया हम, वेरिएबल का वेरिएबल है, तो log u बराबर log x के पावर साइन x, तो क्या होगा, log u बराबर साइन x इंटू log x, चलो डिवाइड करो, log u का 1 by u, फिर u का du by dx, sin x को मान लो छोड़ दिए, तो log x का 1 by x, फिर log x के log x को क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, sin x का cos x, चलो इसीलिए यहां से मान निकाल लो du by dx का, ठीक है ना, ऊपर ले देते हैं पोटासियम, चलो ठीक है हम भी करते थे, एक समय था पोटासियम कैल्शियम मैट्रिक लग कर पढ़ाते थे, चलो यू से मल्टीप्लाई कर दो
उस दिन को याद कर रहे हैं। चलो u इंटू यू से मल्टीप्लाई होगा, u का मान कितना है, x के पावर क्या है, साइन x है। अच्छा तुम लोग यदि टेस्ट लेंगे हम अदर विषय में भी क्या पढ़ रहे हो, प्लस cos x इंटू log x, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहता हूँ कहना हमको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछेंगे ये चीजें पूछ सकते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, भी को कम करेंगे। ऐसा थोड़े सिर्फ मैथ सब चीज पढ़ा करके तब तो मैथ, मान लो स्पेशलिस्ट है तो उसका मैथ पढ़ाते हैं, सब विषय पढ़ाते हैं, कोई विषय दे दे पांचों सब्जेक्ट अकेले पढ़ा सकते हैं सेंटर वाला, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। चलो भी बराबर क्या है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, लॉग लगा दोनों तरफ, ठीक है ना। लॉग भी बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, एक ही बार उतना में, ठीक है ना। लॉग भी का वन बाय भी का डी भी बाय डी एक्स, ठीक है ना। चलो कॉस एक्स वैसे छोड़ दिए हम लोग, ठीक है ना, ये समझ में स्टेप है, दो स्टेप हटा दिए डायरेक्ट हम, तो अपना समझते रहो, समझ में आ गया होगा। लॉग कुछ भी का रहेगा वन बाय वाई चीज, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, किसी को दिक्कत, इसको किया है ना वैसे छोड़ दो इसको, लॉग साइन एक्स को, लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बोलो अब यहां से क्या निकाल लो, डी वी बाय डी एक्स निकाल लो, बोलो भी से मल्टीप्लाई करेगा तो भी का मान क्या है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है ना, इंटू कॉस कॉस एक्स कॉस बाय साइन कॉट एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, बोलो खेल खत्म हो गया ना। पहले वही करना है, जब y बराबर दो फंक्शन हो कंपोजिट फंक्शन रूप में, एक और वेरिएबल दूसरा वेरिएबल वेरिएबल हो, ठीक है, उस कंडीशन एक पर u मान लेना दूसरे v मान लेना, u का पहले मान d by ds निकाल लेना, फिर d by ds निकाल लेना, फिर इस दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो पहले यहां तक, तब आगे करेंगे हम, अब हो गया है। हां डायरेक्ट कैसे बनेगा, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा ना, नहीं लिखना पड़ेगा, इसीलिए काफी में जगह भी लिखना बचेगा, हाँ बन जाएगा वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बने वैसे करो, फ्री हो तो जगह नहीं आता इसीलिए ऐसे ही सब करता है, तो हम वैसे कर दिए। चलो नोट करो इसको, हाँ u plus v equal to 0 कहाँ लिए हम कहीं पर, इक्वेशन फर्स्ट है, हाँ इक्वेशन फर्स्ट है ना। जेई मेन लेवल का मैम पढ़ना है तो जीबी सर से पढ़ो, यूट्यूब का बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन मास्टर कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा, लगभग सब से पढ़ लिए हैं, और यूट्यूब पर खोते हैं तो मिलता नहीं है किससे पढ़े। टेक्निकल में तो ब्रांच पेपर का तो एक लेक्चर नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रांच पेपर है ना उसका स्पेशलिस्ट ब्रांच पेपर कौन डालता है, उनको मिलेगा तो जेई लेवल का मिलेगा, जो एसएससी जेई का आरआरओ जेई कराएगा। ब्रांच पेपर सिविल का हम फर्स्ट डाले हैं, इससे पहले किसी का नहीं डाला हुआ है, सब सब्जेक्ट सर्वेइंग में थर्ड सेम का पूरा सब्जेक्ट है, सर्वेइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी बिल्डिंग ड्राइंग मैथ भी मिलेगा तुमको, पांच पेपर है। हाँ इजी सब है, तो सब भारी भी है सब इजी है, पढ़ेगा तो सब इजी नहीं तो बिजी, ठीक है।
पहले पढ़ो लो, कुछो नहीं है। अच्छा से पढ़ेगा ना, और पढ़ाने वाला मनोमान से पढ़ाया, तुम्हें ठीक से पढ़ रहे हो, तो चीज तो हो ही रहा है यहाँ पर, तो कोई भारी नहीं बुझाएगा, कुछ भारी नहीं होता है, कहने के लिए सिर्फ है, नहीं आएगा तो भारी है, वो हम सीधा बुझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है भारी, सब आसान है। भारी किसको कहते हो, चांद पर दुनिया चला गया है, भारी है, वो किताब पढ़ने में दिक्कत है, कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। अब मंगल ग्रह पर भी मानव यान भेजेगा अमेरिका, 2030 तक का टारगेट लिया है, 2030 में भेजेगा। टेंथ तक भी मंगल देवी जो ठीक से पढ़काया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब अच्छा से पढ़काया है, तब लेंगे लेन अच्छा से, तो कहीं दिक्कत नहीं लगा कि सेमेस्टर में भी नहीं। मैथ में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि फर्स्ट बार मुलाकात होता है मैथ में, तो अगले पेपर में दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा से पढ़ काया तब। हाँ, क्योंकि नया फर्स्ट पढ़ रहे हो ना, इसीलिए थोड़ा सा तो मान लो होवे करेगा ना, एक बार जो इंटर बना लिया है दोबारा बनाएगा तो थोड़ा ज्यादा फायदा होता है, हो गया यहाँ तक तो वो चीज अपना है, मिटा दें हम इसका आंसर लिखाएगा इतना बड़ा। चलो आंसर लिखना है अब, तो यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन से। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ठीक है ना, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय, चलो डी यू बाय डी एक्स का मान दो, देखो क्या लिखा हुआ रिपोर्ट में, एक्स के पावर साइन एक्स इंटू वन बाय एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, ये तो डी यू बाय डी एक्स का मान हुआ, किसका मान देंगे, डी वी बाय डी एक्स का मान देंगे, देखो क्या होगा, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग, वही है लॉग साइन एक्स है, अच्छा ठीक है। चलो ये आंसर हो गया पूरा का पूरा पैकेट, यहां से करके यहां तक नोट करो, इसी टाइप एग्जाम में आए, एक दो और इस टाइप का करा देते हैं और कुछ काम दे देंगे कर करने के लिए, टाइम भी अपना चरम छू रहा है। अच्छा मतलब अप्लाइड साइंस दोनों का मन था, अभी नहीं चल रहा था ना अप्लाइड साइंस, उसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अच्छा ये जब कर लेते हो ना फर्स्ट में सेकंड में फिक्स में अच्छा से, जनरल में बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा तुम, क्योंकि सब जनरल से सबसे क्वेश्चन बहुत आता है, तुम एस एस सी जेई का तैयारी करेगा ना, ये सबसे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, सोच लो अभी पढ़ लेगा सब पेपर बढ़िया, चाहे कौन पेपर हो, एनी पेपर ड्रॉइंग है चाहे जितना पेपर दिया है ना, तो ये फर्स्ट ईयर तुमको हो गया जनरल एक तरफ कर सकते हो, तो वही तुमको बहुत कम देगा, थर्ड सेमेस्टर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, हंस के पढ़ो कि रो के पढ़ो, नौकरी लेना है तब, आप फर्स्ट ईयर पढ़ लेगा तब तो बेनिफिट बहुत है जनरल में जाने के बाद, खास करके इंटर वाला के लिए, क्योंकि दो साल बर्बाद करके आया है, कह सकते एक तरह से सब सोचता ही है, मैट्रिक वाला तो मान लो फर्स्ट है, तो फिर इसके बाद बीटेक भी करेगा तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, इंटर वाला जनरल का नहीं करता है, जैसे हम भी नहीं कर रहे हैं, और भी मेरा बैचमेट सब जो वो भी कहता हूँ क्या करेंगे, दो साल तो गया उधर, फिर तीन साल देंगे है, सब दिन पढ़ते रहेंगे क्या, हो गया आपका 16 में फाइनल हो गया डिप्लोमा, 19 में इस बार होगा, इस बार हो गया अब पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू 16 से पूरा प्रोफेशनल रूप में, जैसे मतलब ही तुम लोग दे रहे हैं, अच्छे तो पढ़ा रहे हैं तो उसे तो कहते बहुत दिन से चल रहा है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बता रहे हैं,
वाई बराबर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एक्स है फिर इसका भी पावर एक्स है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स की पावर एक्स के पावर एक्स। बोलो बोलो यार, देखो y y का dy बाय आ पहले log लगा, log y बराबर x, हाँ चलो एक स्टेप लिख देते हैं, log x के पावर ये चीज है ठीक है ना, तो log y बराबर क्या होगा x के पावर x इंटू log x होगा, डिफरेंशिएट करो वन बाय log y का वन बाय y, y का dy बाय dx। अब देखो x पावर x का भी क्या ऐड कराए थे, अच्छा मान इसको छोड़ रहे हो ठीक है, log x का 1 by x प्लस log x को सी लिखे हम लोग लिखे ना, अभी x पावर x का हम लोग किए थे, क्या किए थे x के पावर x इंटू वन प्लस log x। देखो टेम बचा लिया यहाँ पर बचा ना टेम, नहीं तो फिर उसका निकालना पड़ता लिखना पड़ता, इसीलिए याद कर लिया उसको हटाओ, नहीं मतलब झंझट खत्म कर दिया के बाद। देखो यहां से डी वाई बाय डी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, वाई का मान देखो क्या है एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर एक्स इंटू वन बाय एक्स ठीक है ना, प्लस देखो यहां से एक्स के पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। चलो एक्स जब लोग कुछ दे देते हैं किताब में मिलेगा बना कर रहना, एक्स के पावर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स पहला, वाई बराबर लॉग एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर एक्स तीसरा, वाई बराबर एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस एक्स के पावर साइन एक्स चौथा, वाई बराबर साइन एक्स के पावर एक्स प्लस टेन एक्स के पावर एक्स। इतना कम कर लेना, इसी में से एग्जाम आएगा क्वेश्चन, एक फिक्स है रखो इसी टाइप में आएगा, वही एक्स कॉस चेंज हो सकता है थोड़ा सा मतलब।